दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग द्वारा भारतीय सेना में छात्र छात्रों को भर्ती के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है। इच्छुक और चयनित बच्चों को पुलिस द्वारा कराई जा रही है कड़ी मेहनत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलवासा न्यूज लाइन में। जैसा कि आप सबको पता है, बीते दिनों भारत सरकार के दिशा निर्देश पर भारत के विभिन्न हिस्सों में अग्निवीर को लेकर पूरे देश के युवाओं ने अपनी अपनी इच्छा जताई और लाखों की संख्या में युवाओं ने उसमें आवेदन किया। हमारे प्रदेश के युवाओं ने भी इसमें अपनी इच्छा जताई, जिसके बाद प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा इस पर बच्चों को मार्गदर्शन दिए गए, जिसके बाद अब दानहा के खानविल विस्तार में चौड़ा ग्राउंड और सिलवासा के स्टेडियम ग्राउंड पर पुलिस द्वारा बच्चों को कड़ी मेहनत व फिटनेस के साथ तैयारी कराई जा रही है, जिसमें जो चयनित हो और इच्छा रखते हैं तो आसानी से अपना भर्ती निकाल सके। बीते कुछ दिनों से दमनदीव दादरा नगर हवेली के DIGP मिलिंद महादेव दुम्बरे एवं दादरा नगर हवेली के SP राजेंद्र प्रसाद मीना के दिशा निर्देश पर दानहा के दनिष्क अधिकारी NL रोहित की अगुवाई में यह प्रक्रिया जोर शोर से चलाई जा रही है। देखिए इस विषय पर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं ने एवं दानिष्क अधिकारी NL रोहित ने हमसे बात करते हुए क्या खास बात कही। इसी तरह आसपास की खबरों से बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिजिकल तो बहुत अच्छा है। सही बात है। अच्छा, जिस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर पुलिस द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव मिल रहा है और क्या खास चीजें सीखने को मिल रही है? सर, जिस तरह से हमें ट्रेनिंग मिल रही है ना, उससे तो मुझे और मेरे साथ जितने मेरे साथ पार्टनर्स हैं मेरे, सबको बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है। बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस मिल रही है, जो हमने कभी फिजिकल की नहीं है, वो यहाँ आने से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। और मैं चाहूँगी कि हम आगे भी ऐसे ही फिजिकल कंटिन्यू रखें। और सर लोग का जो सपोर्ट है, सर लोग जो हमें सजेस्ट करते हैं, सर लोग जो हमें गाइड करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जो कोई नहीं कर सकता, जिसको नहीं आ रहा है, उसे तो सर फुल सपोर्ट करते हैं और फुल अच्छे से सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
खास तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो लड़कों के साथ लड़कियाँ भी पीछे मतलब हटने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी हुई है। आप लोगों का भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा आप लोग ट्राई कर रही हैं, बहुत अच्छा बेस्ट दे रही हैं। क्या खास चीज़ें यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो क्या है? सर, यहाँ पे आजकल लड़कियाँ किसी से भी आजकल कम नहीं है, ऐसा तो हमने देखा है और मोदी जी ने भी कहा है कि डिफेंस में भी लड़कियों को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो सर्स है वो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे ताकि हम भी आगे लड़कों से कदम मिला के चल सके। जी, कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावनाओं को लेकर। यस सर, हमारे में देशभक्ति बहुत ज्यादा है और हमें देश के लिए कुछ न कुछ करना है। इसमें क्या खास चीजें अब सीखने को मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर? हमें पहले तो ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, हमारा रनिंग से लेके पुल अप से लेके सभी हम लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम ज़्यादा मतलब हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम लोग को वहाँ पे जाके मतलब कुछ तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, हम लोग अच्छी तरह से एग्जाम पास कर सके। चीज़ पर अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर दे रही है, ऐसे तो देखा जाए तो हर जगह पर फिटनेस आज के डेट में मायने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिफेंस की बात की जाए, भारतीय डिफेंस की बात की जाए, तो उसमें किस तरह का रोल आने वाले टाइम में आप लोगों को निभाने का यदि मौका मिलेगा तो कैसे करेंगे? जैसे भारतीय डिफेंस में हमें अगर आने के लिए अगर हमें प्रोत्साहित किया गया तो हम जैसे कि यहाँ पे मेहनत कर ही रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमारे सर यहाँ पे वर्कआउट कराते हैं और हम आने वाले में जैसे जिसमें भी हम सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें हम अपने जो सोच से हम best. पूरी बेस्ट करेंगे एकदम। हमें दादरा नगर हवेली दमन दीव की ओर से आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए हमारे दादरा नगर के कैंडिडेट के लिए और दमन दीव के कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिजर्व कैटेगरी वहाँ रखी है वहाँ पर स्पेशल थी और वहाँ ये ऑल इंडिया लेवल पे जो आर्मी की भर्ती हो रही है जो दादरा नगर हवेली और दमन के लिए अहमदाबाद में रैली करते हैं रिक्रूटमेंट रैली और दीव के लिए राजकोट में है। तो हम लोग ये 15 तारीख से शुरू हो रही है दादरा नगर दमन दीव से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ के जो दादरा नगर हवेली दमन दीव के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम प्री फिजिकल हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि यहाँ से ज़्यादा तादाद में यहाँ के कैंडिडेट वहाँ जाके रैली में जाके सिलेक्ट हो, उनको नौकरी में चांस लगे, उनको नौकरी मिले। सर, वैकेंसी को लेकर जिस तरह से खास चीज़ें लगी रहती है लोगों युवाओं में होड़ नज़र आता है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप बात करें दादरा नगर हवेली दमन दीव पुलिस की जिस तरह से आप लोग आगे आकर ये चीज़ें सिखा रहे हैं करा रहे हैं तो इसको लेकर युवाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे डीआईजी सर के नेतृत्व में और यहाँ के हमारे जो एसपी श्री आर पी मीना सर के गाइडेंस में सुपरविजन में दादरा नगर हवेली के कैंडिडेट के लिए हमें आगे से अग्निवीर का भी हमारा चल रहा था तो इसके लिए हमें यहाँ का जो लोकल आदिवासी है लोकल पीपल है जो ये यूनिफॉर्मरी फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं उसका एक सपना था वो साकार करने जा रहा है और यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है। यहाँ का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर से भी हमें आरडीसी मैडम से भी हमें ये ग्राउंड मिला उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का आभार मानते हैं। ये हमारा दो जगह पे हम यहाँ पर ट्रेनिंग फिजिकल करा रहे हैं, एक तो यहाँ स्टेडियम ग्राउंड में सिलवासा में है, दूसरा हमारा कैंप है खानवेल में खानवेल चौड़ा ग्राउंड है वहाँ भी हमें सपोर्ट मिला, वहाँ हमें सरपंच का भी हमें सपोर्ट मिला ताकि हम लोग वहाँ पर अच्छी तरह से फिजिकल कर सके और यहाँ के जो कैंडिडेट है जो यहाँ के निवासी है जो यहाँ से जिन्होंने एप्लीकेशन की है जो फोर्स में जाने के लिए वो बहुत उत्साह से उन लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, कितने समय का ये पार्टिसिपेशन यहाँ पर लगेगा? हम यहाँ पर 12 तारीख से, हम लोग यहाँ से 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया था जी, तो ये हमारे इसके अंदर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं आर पी मीना सर जी और हमारे जो फिजिकल टीचर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट से फिजिकल टीचर की हमने सहायता ली है। यहाँ जो आर्मी रिटायरमेंट हमारे नगर हवेली में जो है रिलायंस कंपनी वगैरह जो आर्मी रिटायर जिन्होंने अच्छी फिजिकल क्या बोलते हैं जो उस्ताद के तौर से ये किए उनके भी हमने सहायता ली है, उनके जो डॉक्टर्स हैं जो आर्मी में रिटायर्ड हैं उनसे भी हमने सहायता ली है, आईआरबी से भी हमने सहायता ली है ताकि हम मैक्सिमम इन लोगों को फिजिकल फिटनेस बनाए ताकि वहाँ पर जाके रैली में जाके उन लोग सिलेक्ट हों, उन लोगों को नौकरी का लाभ मिले और उनका सपना साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।